अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। तो यार आज था मेरा कॉलेज का लैब डे। तो यार आज का जो दिन था ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह से थोड़ा मुश्किल भी था और काफ़ी ज़्यादा फ़न भी था, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क में तो हमेशा फ़न ही होता है। तो सबसे पहले यार हम अपनी केमिस्ट्री लैब में गए, हमारा प्रैक्टिकल था। आजकल जो है वो हमारा कॉलेज का सेशन एंड होने लगे है, तो हमारे कॉलेज में भी कुछ लास्ट डेज ही हैं। तो हम अपनी थ्योरीज वगैरह सारे ना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है और हम बस आजकल प्रैक्टिकल्स ही कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल्स में ये होता है कि यार बंदे को थोड़ा आइडिया होता है कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि जब हम बुक में पढ़ रहे होते हैं हमें बोरिंग ही लग रहा होता है। तो हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ एंड देन हम गए अपनी बायो लैब में, और बायो लैब में ये चीज़ें देख देख के हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। और ख़ास तौर पे तो ये जो होती है ना वो क्या कहते हैं इसको, गिरगिट। वैसे तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं जो रेप्टाइल्स वगैरह होती हैं, लेकिन ना इनको रिजर्व देख के ना अच्छा लग रहा था। जैसे मतलब जैसे बंदे ने कभी कोई चीज़ देखी ना हो तो उसको अच्छा लग रहा होता ना, वैसे ही। बस आप सबको मेरी बातों से ये लग रहा होगा कि जैसे मैंने ये पहली दफ़ा देखा है, लेकिन मैंने ये पहली दफ़ा नहीं देखा। मैंने कुछ तो बताना ही है ना, मतलब कुछ तो बोलना ही है ना। देन मैंने अपना फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल किया। फ़िज़िक्स का हमारा था ये अजीब सा गंदा सा ही होता है, वैसे फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में कोई भी फ़न नहीं होता, सिर्फ बोर होता है। देन यार ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी लैब में, जिसमें था ये प्यारा सा स्केलेटन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। देन घर आने के बाद यार मैंने जाना था शॉपिंग पे, क्योंकि लेने थे कुछ कपड़े। तो हम गए थे सदर कैंट में था, और मेरी खाला कह रही थी कि हमने उधर से ही लेने हैं कपड़े। तो डेट्स वाई हम अपने घर से थोड़ी सी, हमारे घर से थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सा नहीं वैसे थोड़ा ज़्यादा ही दूर था, लेकिन हमने उधर से लेने थे कपड़े। और यहाँ पर हम अपने पोज वगैरह बना रहे थे कि यार हमारी कोई वीडियो अच्छी आ जाए। यार उधर बहुत ज़्यादा रश था, जैसे कि आपने भी देखे कि ट्रैफिक बिल्कुल जैम थी उस रोड पे, मतलब गाड़ी गुजारने या हिलने का भी नाम नहीं थी ले रही उधर। देन यार फाइनली हम शॉप पे पहुंच गए, और ये इनकी छोटी सी शॉप थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी। और ये थे कुछ इनके जो सामने रखे हुए थे डिस्प्ले में कपड़े, वो थे। देन यार हमने अपनी शॉपिंग फाइनली शुरू कर दी, और जब आपको पता ही है लड़कियाँ हमने शॉपिंग शुरू कर दें तो फिर क्या होता है। यहाँ जो मेरी जितनी भी ऑडियंस लड़कियों की है उनको तो पता ही होगा कि क्या होता होगा। तो यार इसी तरह वैसे मुझे कोई चीज़ इतनी आराम से पसंद नहीं आती है, लेकिन इस शॉप में मुझे ना हर चीज़ जो थी ना अच्छी लग रही थी, सिवाय कुछ कलर्स। यार इस शॉप की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पसंद है ना, इनके पास जितने भी कपड़े थे ना, जितने भी डिज़ाइंस थे ना, वो सारे के सारे ही अच्छे थे। और सारे के सारे ये था कि मतलब होता है ना कि हम जब कोई कपड़ा निकलवाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा था ही नहीं, सारे के सारे ही अच्छे थे। और सबके प्रिंट्स और स्टफ़ वेरी नाइस था। तो आप भी इधर जाएँ, आप भी शॉपिंग करें। और देन हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई और हमने अपना सामान वगैरह रखवाया गाड़ी में। देन शुक्र है यार वापस जाते हुए जो था ना यहाँ पर इतने ज़्यादा वहाँ पर रोड क्लियर हो चुकी हुई थी, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। देन यार बहुत थकावट हो चुकी हुई थी, और वापस घर जाते हुए ये लग रहा था, वापस मैंने जाना था अपनी खाला की तरफ, तो उसके बाद मैंने जाना था घर। और घर जाते रहते मुझे बहुत लेट हो गया था, मैं बहुत थक चुकी हुई थी। और ये था हमारा छोटा सा, वो जो गली थी इसका एक छोटा सा था, लेकिन बस इस तरह का बाज़ार था। देन हम वापस अपने घर के लिए निकल गए। घर जाते जाते हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शॉपिंग तो हो गई ना। और इसी के साथ यार हमारी आज की वीडियो का होता है एंड। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाफिज़।